रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम डॉक्टर असद नकवी होम्योपैथिक फिजिशियन। डियर व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक भूख की कमी या भूखा ना लगना। भूख की कमी या भूखा ना लगना, इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं जिसमें हारमोन्स की खराबी, बहुत ज़्यादा जज्बाती होना, वबाई अमराज, कमज़ोरी, नज़ला ज़ुकाम, बुखार या अदर डिजीज़, ये आपकी भूख को ख़त्म कर सकते हैं। यानी ये जो वजूहत हैं ये आपकी भूख को ख़त्म कर सकते हैं। भूख को बढ़ाने के लिए हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन, सबसे फर्स्ट जो मेडिसिन है वो है अल्फ़ा अल्फ़ा। ये मेडिसिन आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत ही मफीद साबित होती है। ये भूख को बढ़ाने और निज़ाम हज़म को दुरुस्त करती है, जिसके नतीजे में दिमागी और जिस्मानी ताकत में भी इजाफा हो जाता है। ये जिस्म में चर्बी पैदा करने में मदद देती है, निज़ाम अखराज को भी दुरुस्त करती है। ये मेडिसिन आप मदर टिंचर में 10 से 15 ड्रॉप्स, आधा कप पानी दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, और ये मेडिसिन आप 2 वीक्स से लेकर 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये मेडिसिन आपकी भूख को बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। इसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन है हवीना स्टेवा। ये दवा लंबे अरसे की बीमारी के बाद वीकनेस यानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है और आपकी भूख को ज़्यादा यानी भूख को बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार या हेल्पफुल साबित होती है। अवीना स्टेवा मदर टेंचर फॉर्म में, इसमें 10 से 15 ड्राप्स, आधा कप पानी सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 बार, और ये मेडिसिन आप 2 वीक से लेकर 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपकी भूख की कमी की जो प्रॉब्लम है वो इससे हल हो जाएगी। इसके बाद हमारी मेडिसिन है कलकरिया फास्ट 6X में। ये खुराक को हज़म होने और जज़्ब होने में मदद देती है, खसूसन रुबाई सेहत मरीज़ में, बच्चे जो कि हर वक्त दाया के पास रहना चाहें, हर खाने के बाद पेट में पेन का होना, यानी खाने के बाद पेट में दर्द होना, ये इस मेडिसिन की एक सिम्टम, एक अलामत है। ऐसी सूरत में ये मेडिसिन आप 4 सुबह यानी टेबलेट फॉर्म में, 4 टेबलेट सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम, दिन में 3 बार, और ये मेडिसिन आप 2 वीक से लेकर 1 मंथ तक जारी रख सकते हैं। डियर व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक भूख की कमी और भूख को बढ़ाने के लिए मैंने आपको मुख्तलिफ होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी और आप इससे फ़ायदा लेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे हम किसी और वीडियो, किसी और डिजीज़, किसी और रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।